السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. كتاب الطهارة الفصل الأول. أيها الطلبة، سندرس في هذه الحصة مشكات المصابيح، وندرس من كتاب مشكات المصابيح كتاب الطهارة الفصل الأول. أن المصنف رحمه الله ذكر في هذا الفصل الحديث الأول في هذا الفصل الذي يتعلق بالطهارة، فيقول: عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فموتقها أو موبقها. رواه مسلم. أيها الطلبة، أولا نتعرف على صحابي هذا الحديث، هو أبو مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه. فأختلف في اسمه كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، ويقول: لا يعرف اسمه، واختلف الناس في اسمه، فبعضهم يقول اسمه عبيد، وبعضهم يقول اسمه عبيد الله، وبعضهم يقول اسمه عمر، وقيل اسمه كعب، وقيل اسمه عامر بن الحارث. والذي قال حافظ بن حجر رحمه الله في المقدمة لا يعرف اسمه، وهو من رواة مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وكذلك ذكر عنه الحديث إمام بخاري رحمه الله في كتابه معلقا. فالآن ننتقل إلى الطهارة. فأولا نعرف ما معنى الطهارة. الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة من كل عيب حسي أو معنوي. الطهارة کے لغوی معنی نظافت اور نزاہت کے ہوتے ہیں، یعنی پاکی حاصل کرنا ہر اس عیب سے، چاہے وہ حسی ہو چاہے وہ معنوی ہو. حسی جیسے قدر یا گندگی یا نجاست آپ کے جسم پہ، آپ کے کپڑے پہ لگ جائے تو اس کو دھو کر کے، اس کو صاف کر کے حاصل کرنا. معنوی طہارت جیسے شرک و بدعات، خرافات، ان تمام چیزوں سے حاصل کرنا. اور شریعت کے اندر طہارت کسے کہتے ہیں، یا طہارت کا اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں: طہارت البدنی من النجاست الحکمیہ ای الحدثین الاکبر والاصغر، کی جسم کو پاک کرنا حکمی نجاست سے. کس سے؟ حکمی نجاست سے، جس کے لگ جانے سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ ناپاک ہو جاتا ہے. اور جب آدمی اس کو دھل لے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ پاک ہو جائے گا. چاہے جیسے کہ حدثین ہے، اصغر اور اکبر. اگر آپ حدثین، اصغر اور اکبر آپ سے ہوتا ہے تو آپ دھل کر کے اس سے پاکی حاصل کریں گے، یا آپ کے جسم پہ یا آپ کے کپڑے پہ کہیں لگ جائے
तो भी आप उसको धुल करके आप अपना कपड़ा आप अपना जिस्म पाक कर सकते हैं। तो वही जो शरई तारीफ जो इस्तिलाही तारीफ है तहारत की है, तहारतुल बदनी मिनन नजासतिल हुक्मिया। क्या है तहारतुल बदनी? कि आ इंसान अपने जिस्म को अपने जिस्म को अपने बदन को पाक करे हुक्मी नजासत से। और वो हुक्मी नजासत क्या है? दो है, एक हदस असगर है एक हदस अकबर है। हदस असगर जैसे हदस अकबर जैसे आदमी जैसे मनी वगैरह का खुरूज और हदस असगर हवा का खुरूज या बाद शिकम का खारिज होना। तो ये है, ये थी तारीफ तहारत की। उसके बाद आइए सबसे पहले देखते हैं कि मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने किताब तहारा को किताब इल्म और किताब ईमान के बाद जिक्र किया। इसकी वजह क्या, इसकी तरतीब कैसे इमाम बगवी रहमहुल्लाह ने और ख़तीब तबरीज़ी रहमहुल्लाह ने रखी है? तो इंसान के ऊपर जो सबसे पहली चीज़ वाजिब होती है वो है ईमान। क्या है? ईमान। यानी हर इंसान को ईमान लाना हर इंसान पर वाजिब है, अब चाहे वो ईमान लाए या ना लाए। तो मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने इसी बात का ख्याल रखते हुए सबसे पहले किताबुल ईमान का कि इंसान को जो सबसे अहम चीज़ है, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इंसान की ज़िंदगी की है वो है ईमान। तो इसीलिए मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने सबसे पहले किताबुल ईमान का तज़किरा किया, उसके बाद किताबुल इल्म का तज़किरा किया। तो किताबुल इल्म को किताबुत तहारा पर क्यों मुकद्दम किया? किताबुल इल्म को किताबुत तहारा पर इसलिए मुकद्दम किया कि हमें कोई भी अमल अगर सबसे करना है तो उससे पहले हमें उस चीज़ के बारे में इल्म होनी चाहिए। जैसा कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब के अंदर बाब बांधा है, बाबुल इल्मी क़ब्लल अमली, कि इल्म अमल से पहले इल्म, अमल से पहले क्या है? इल्म होना चाहिए। तो इसीलिए मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने किताबुत तहारा और किताबुस सलात से पहले किताबुल इल्म का जिक्र किया। और फिर जब किताबुल ईमान का बाब बांधा उसके बाद किताबुल इल्म का जिक्र किया, तो जो ईमान का सबसे अहम रुकन है सलात, उसका तज़किरा करना चाहिए जैसे मुसन्निफ दीगर मुसन्निफिन करते हैं। उससे पहले किताबुत तहारा को मुकद्दम किया। तो सलात के लिए जो ज़रूरी चीज़ है जो उसके शुरूत में से है वो है तहारत। तो तहारत कब पाई जाती है? उस चीज़ के फेल के करने से पहले। तो किताबुत सलात से इसीलिए पहले मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने किताबुत तहारा का जिक्र किया कि नमाज से पहले तहारत ज़रूरी है, तहारत वाजिब है, जो कि नमाज के शर्तों में से है। इसलिए मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने किताबुत तहारा का पहले जिक्र किया किताबुस सलात के किताबुस सलात से पहले। उसके बाद किताबुस सलात ज़कात इसी तरीके से तरतीब से ईमानियात का बाब बांधते हुए मुसन्निफ रहमहुल्लाह जाएंगे। तो ये थी चंद चीज़ें जो कि इस किताब की तरतीब और किताब और तहारा के मानी से ताल्लुक़ रखती थी। अब मुंतकिल होते हैं हदीस की तरफ। قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور الطہور طہور کسے کہتے ہیں پاکیزگی کو کہتے ہیں پاکی کو کہتے ہیں التطہر طہور کے معنی کیا ہے التطہر کے ہے کہ الطہور شطر الایمانی کہ طہور کیا ہے آدھا ایمان ہے کیسے آدھا ایمان ہے کہ جب آدمی پاک ہوگا تبھی وہ نماز پڑھے گا تبھی اور وہ दीगर काम करेगा। और नमाज जो है जिसको इमादुद्दीन कहा गया है, जो इस्लाम ईमान के या इस्लाम के अहम रुकनों में से एक रुकन है, इस्लाम की बुनियादों में से एक सबसे अहम बुनियाद है, जो कि बग़ैर तहारत के बग़ैर पाकी के मुकम्मल नहीं हो सकती है, जो कि उसके शर्तों में से है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तुहूरु शत्रुल ईमान की तहारत क्या है, ये आधा ईमान है। अत्तुहूरु शत्रुल ईमानी पाकी क्या है, आधा
ईमान है, क्योंकि जब इंसान पाक होगा तभी वो नमाज और तमाम चीज़ों को करेगा जो नेकी के काम हैं। और बाज लोग ने यहाँ अत्तहूर से मुराद डायरेक्ट नमाज लिया है, क्या कहा है, नमाज लिया है, कहते हैं वला तसिहु सलातु इल्ला बित्तहारा फसारत कशतरी, की नमाज जो है वो बगैर तहारत के मुकम्मल नहीं होगी, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, शतरुल ईमान कहा गया है, और शतरुल ईमान क्या है, नमाज है, इसलिए यहाँ तुहूर से मुराद क्या है, नमाज है। उसके बाद फरमाते हैं वल्हम्दुलिल्लाहि तमलाउल मीज़ान, और इस हदीस को जिक्र करने का इस किताब तहारा के अंदर जो मकसद है वो है इस हदीस का पहला जुमला अत्तहूरु शतरुल ईमानी, जो इस बाब से और इस किताब से ताल्लुक रखती है। उसके बाद कहा वल्हम्दुलिल्लाहि तमलाउल मीज़ान, और जो लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह है जिसको कह करके इंसान सवाब का मुस्तहिक होता है वो क्या है, तमलाउल मीज़ानी, पूरे मीज़ान को क्या कर देती है, भर देती है। यानी अगर कोई बंदा इस लफ्ज का विरत करता है, इसको कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तमाम किस्म की तारीफ़ात और तौसीफ़ात, किब्रियाई बड़ाई बुजुर्गी हमद सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, तो तमलाउल मीज़ान ये कलमात की नेकिया का है, इंसान के मीज़ान को भर देती हैं। गोया कि इस हदीस से इस बात का पता चलता है, यह हदीस इस बात की तरफ इशारा करती है, जैसा कि हमने तफसीर के अंदर पढ़ चुके हैं कि जो मीज़ान को क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कायम करेगा और वहाँ पर लोगों के आमाल को तोलेगा, तो वहाँ पर इंसान को भी तोला जाएगा, उसके सुहब को भी तोला जाएगा और उसके आमाल को भी तोला जाएगा, जैसा कि तीनों तरह की हदीसें मिलती हैं। तो यहाँ पर इस हदीस से इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन आमाल को अजसाम की शक्ल देगा, जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन इन आमाल को वज़न करेगा, जो कि पूरे के पूरे मीज़ान को, पूरे के पूरे तराजी को भर लेंगे। और इसी तरीके से फिर आगे फरमाया हुआ सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि तमलआनी औ तमलाउ मा बैन अस्समावाति वल अर्दी, कि लफ्ज़े सुबहानल्लाह जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाकिजगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाकी का बयान किया, बयान हो रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकदीस, और इसी तरीके से सुबहानल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह, और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द और सना बयान की जा रही है। कहा जा रहा है कि इनकी नेकियां इतनी हैं तमलआने औ तमलाउ मा बैन अस्समावाति वल अर्दी, कि अगर इनकी नेकियों को अजसाम का शक्ल दे दिया जाए तो ये नेकियां पूरी आसमान और जमीन के अंदर जो स्पेस है, जो खला है, उसको भर देंगी। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन कि अगर कोई तस्बीह करता है, तकदीस करता है, तहमीद करता है, तमजीद करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाकी को बयान करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़कार करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदों को इतनी नेकी देगा कि अगर उन नेकियों को अजसाम की शक्ल में रख दिया जाए तो वो नेकियाँ आसमान और ज़मीन और आसमान और ज़मीन के माबैन जितने स्पेस हैं, जितने खला हैं, तमाम के तमाम को भर देंगी। यानी गौर व फिक्र करने का मकाम है, सोचने का मकाम है कि ये छोटे से कलमात, ये छोटे से अल्फाज आपको किस कदर बुलंदी के मकाम और बुलंदी के मरातब तक दे जा सकते हैं। और जैसा कि दूसरी हदीस के अंदर है, जिसके जरिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब का इख्तिताम किया है, और आखिरी हदीस सही बुखारी की है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कलिमतान अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान लिर्रहमान خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمده وسبحان الله العظيم، कि
दो कलिमात ऐसे हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब है, जो इंसान के ज़मानों पर आसान है, यानी इंसान उनका विरद उनका अज़कार बआसानी से कर सकता है बगैर किसी तकल्लुफ़ के, बगैर किसी परेशानी के, और उनका सवाब उनका नेकी इतना है कि सकीलता ने फिल मीज़ान कि वो जब क़यामत के दिन तराजू में वज़न किए जाएंगे तो बहुत ही भारी और भरकम होंगे। सुबहानल्लाह बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को हर वक्त अपने जिक्र की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उसके बाद फरमाया वस्सलातु नूरुन, और नमाज क्या है? नूर है। अल्लती तुनव्विरुल कुलूबा औ तशरहुस सुदूरा, कि जो इंसान के दिलों को रोशन करता है और उनके दिलों को कुशादा करता है, और इसी तरीके से उनके लिए हकाइक को वाज़े करता है, और इसी तरीके से इंसान को मआसी से, शहवात से, और मुनकर चीज़ों से, और फुहश चीज़ों से, और लघु कलाम से, और तमाम बुराइयों से रोकता है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाया इन सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि लोगो नमाज तुम्हारे लिए नूर है। और ये नमाज जैसा कि इस हदीस के अंदर कहा गया वस्सलात नूरुन, और सलात क्या है? नूर है, जो इंसान के दिलों को रोशन करता है, उनके दिलों को कुशादा करता है, उनके सीनों को कुशादा करता है, उनको बुराई से, शहवात से, मआसी से, इन तमाम चीज़ों से रोकता है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया इन सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज क्या है? ये लोगों को फुहश कामों से, बुराई के कामों से, और बदकलामी से, और तमाम मुनकर अखलाक से, और मुनकर भातों से, और मुनकर आदात से, तमाम चीज़ों से ये नमाज हमको क्या है? रोकती है। लेकिन अजीज़ तलबा, यहाँ पर गौर करने का मकाम है, सोचने का मकाम है कि अगर आप नमाज पढ़ते हैं वो नमाज आपको बुराई से नहीं रोक, और उसके साथ साथ बुराई करते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं उसके साथ साथ आप गुनाह के मुर्तकिब होते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं उसके साथ साथ आप फुहश कलामी और बदकलामी और तमाम बुराई के कामों में मुलव्वित हैं, तो यहाँ पर आपको अपने नमाज की मुराजा और मुहासबा करने की ज़रूरत है कि क्या बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम तो झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है? सच्चों में सबसे सच है, जो सच बोलने वाले में है उनमें सबसे सच्चा और सबसे बेहतर बात अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात है, वो कभी झूठ नहीं कह सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम कभी झूठ नहीं हो सकता कि इन सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज जो है वो बदकलामी से, बुरे कामों से, और तमाम चीज़ों से रोकती है। और यहाँ पर आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के साथ साथ बुराई के काम भी करते हैं, तो क्या बात है? हमारी नमाज के अंदर खलल है या क्या मसला है? तो हमें अपनी नमाज का मुहासबा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कि वो हमारी नमाज हकीकी मानों में वो नमाज है कि नहीं है, कि जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि इन सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि जो हमको बुराई के कामों से रोकेगी और फुहश से रोकेगी, मुनकर से रोकेगी, तो हमें यहाँ पर क्यों नहीं रोक रही है? तो हमें हमको अपने नमाज का मुहासबा करना चाहिए कि देखना चाहिए खलल कहाँ हमें नमाज के अंदर हो रही है कि जो हमको बुराई से नहीं रोक पा रही है। उसके बाद कहा वल कुरान हुज्जतुन लका व अलैका, और कुरान क्या है? ये आप के लिए हुज्जत होगा, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस के अंदर इरशाद फरमाया अस्सियामु वल कुरानु यशफाअनि लिल अब्दि यौमल क़ियामा, कि कुरान और रोज़ा क़यामत के दिन बंदे के लिए शफात करेगा। तो ये आपके लिए हुज्जत होगा, आपके लिए शफात करेगा, ए मेरे रब मैंने इसको बिस्तर से रोका, ततजाफा जुनूबहुम अनिल मज़ाजिअ व यदउना रब्बहुम खौफन व तमअ, कि ये इनके पहलू, इनके जंब ये बिस्तर से अलग रहते थे, ये रात रात भर जागकर कुरान की तिलावत करते थे, तेरे कलाम ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरे कलाम को ये लोग पढ़ते थे, उसको सीखते थे, सिखलाते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी शफात को कबूल फरमा ले। और इसी तरीके से लेकिन जब हम इस कुरान से एराद करेंगे, इस कुरान से रूगर्दानी करेंगे, तो क्या होगा? ये कुरान हमारे लिए हुज्जत बन जाएगा, हमारे ऊपर हुज्जत बन जाएगा, हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे ऊपर हुज्जत बन जाएगा। अगर हमने इस कुरान को सीखा दुनियावी मफाद के लिए, जैसा कि ये हदीस हमने किताबुल इल्म में पढ़ चुके हैं कि जिन तीन लोगों को अजाब दिया जाएगा, सबसे पहले उनमें से एक कारी होगा, कुरान का सीखने सिखलाने वाला होगा, उसको लाया जाएगा और उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका अल्लाह रब्बुल आलमीन हिसाब किताब शुरू करेगा और कहेगा कि
तूने क्यों कुरान को पढ़ा सिखलाया? कह गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेरे लिए सिखा। कहा, नहीं बल्कि तूने इसलिए कहा कि तुझको कारी कहा जाए, तुझको आलिम कहा जाए। वक़द क़ीला फ़ीका, और तेरे ताल्लुक से ये बात लोगों ने कह दी है कि हाँ बहुत अच्छा कारी थे, बहुत अच्छा पढ़ने वाले थे, और तू तेरा नीयत खालिस नहीं था अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए नहीं था, तो वो तेरे लिए कहा जा चुका है। तो जब हम कुरान से एराद करेंगे या कुरान को पढ़ने पढ़ाने और सीखने सिखाने का मतलब हमारा दुनिया होगा, आखिरत नहीं होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए नहीं होगा, तो ये कुरान हमारे लिए क्या हो जाएगी? हुज्जत हो जाएगी। और कहा, कुल्लू नास यक्दू, कि हर बंदा रोजाना 24 घंटे के बाद सुबह करता है, उसके बाद फबायु नफ्सिही, और हर रोज वो अपने नफ्स को बेचने वाला होता है, फमूतिकुहा औ मूबिकुहा, तो चाहिए कि वो अपने नफ्स को बेच करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की दीन के खातिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अपने आप को जहन्नम से आज़ाद कर ले, औ मूबिकुहा, या अपने नफ्स को हलाकत में डाल दे। तो इस हदीस को इमाम मुसन्निफ रहमहुल्लाह का जिक्र करने का जो मकसद है वो इस हदीस का पहला जुज अत्तुहुरु शतरुल ईमान है। और आज का दर्स इसी पर इक्तफा करते हैं। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, वसलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।